मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? अच्छा मोटब यार, लास्ट टॉपिक क्या था? लास्ट टॉपिक याद दिलाओ मुझे। डायलेक्ट्रिक। सो डायलेक्ट्रिक हम कर चुके थे और उसी में हमने टाइप ऑफ डायलेक्ट्रिक लिख लिया था। तो ये हम पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में लिखवा चुका था आपका ना, उसी को आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को। पहले देखते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। सो देखिए, ये जो पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है ना, ये टॉपिक इंस्पायर्ड है जो आपने केमिस्ट्री में पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट पढ़ा होता है। केमिस्ट्री में आप एक टॉपिक पढ़ते हैं पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। बिल्कुल पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट से पोलर और नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक आता है। पोलर एंड नॉन, तो देखिए नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स का क्या मतलब है? ये वो डायलेक्ट्रिक्स हैं जिसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। सो अगर सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड कर जाएंगे तो आप कहोगे जो डायलेक्ट्रिक है दैट डायलेक्ट्रिक इज नॉन पोलर। तो नॉन पोलर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड करता है। अब कुछ लोग परेशानी में होंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर का क्या मतलब है। जैसे आप NaCl ले लो, Na प्लस एंड Cl नेगेटिव। Na पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, क्लोराइड पे जो चार्ज है वो नेगेटिव। तो ये सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज हो गया। तो अगर सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड कर जाए तो आप कहोगे डायलेक्ट्रिक इज नॉन पोलर। नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। पी से डाइपोल मोमेंट रिप्रेजेंट करते थे। डाइपोल मोमेंट ऑफ अ नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक इज जीरो। इसके एग्जांपल्स देखिए, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड आपने ले लिया, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक। इन सबका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। पोलर डायलेक्ट्रिक्स देखो, पोलर डायलेक्ट्रिक्स आर लाइक पोलर सॉल्वेंट्स। तो यहां सेंटर ऑफ पॉजिटिव, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर्स कोइंसाइड नहीं करेंगे तो आप डायलेक्ट्रिक को कहोगे डायलेक्ट्रिक इज पोलर। लाइक आपने ये मॉलिक्यूल ले लिया, ये पॉजिटिव चार्ज का सेंटर, ये नेगेटिव चार्ज का सेंटर, अगर ये कोइंसाइड नहीं कर रहे देन डायलेक्ट्रिक इज पोलर। पोलर डायलेक्ट्रिक में डाइपोल मूवमेंट इज नॉन जीरो। एक टिपिकल मॉलिक्यूल में, हाँ तो आई सेम चार्ज है इसीलिए तो कोइंसाइड करता है। मतलब जैसे NaCl में क्या होता है, Na क्लोराइड इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेता है, तो कुछ नेगेटिव चार्ज आता है क्लोराइड पर, कुछ पॉजिटिव चार्ज यहाँ। हाइड्रोजन में तो ऐसा कुछ नहीं होता, दोनों सेम है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड, कहीं शिफ्ट नहीं हो रहा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड कर गया, डाइपोल मोमेंट इज जीरो। सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड पोलर में। जो डाइपोल मोमेंट होता है एक टिपिकल मॉलिक्यूल का, डाइपोल मोमेंट इज ऑफ ऑर्डर 10 रेज टू द पावर माइनस 30 कूलम मीटर। तो यहां जो डाइपोल मोमेंट होगा उस डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर होता है 10 रेज टू द पावर माइनस 30। दिस इज द ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए पोलर डायलेक्ट्रिक्स के लिए ये डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर होगा।
ऑर्डर का मतलब है वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट. जैसे एग्जाम्पल्स हैं पोलर के, HCl है, NaCl है, CO है. तो यहाँ एक मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट होता है उसकी वैल्यू इतनी होती है 10^-30. ऑर्डर का मतलब है हो सकता है 2 × 10^-30 हो जाए, हो सकता है 1.5 × 10^-30 हो जाए, बट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ये होगा. लिखिए इतना. और मैं जल्दी से एक बार रिकॉल करा रहा हूँ. एक तो यार तुम लोग केमिस्ट्री की क्लास के बाद 10 मिनट के लिए गायब हो जाते हो, मतलब 3 घंटे तो तुम पढ़ सकते हो. तो देखिए नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स में सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करेगा. पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर जहां कोइंसाइड करेगा उसे नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स कहते हैं. इसमें डाइपोल मोमेंट जीरो होगा. एग्जाम्पल H2N2CO2. पोलर डायलेक्ट्रिक्स वो है जहां पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड नहीं करता. जैसे HCl है, HCl में पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोराइड पे नेगेटिव. ये पॉजिटिव चार्ज का सेंटर, ये नेगेटिव चार्ज का सेंटर. अगर ये कोइंसाइड नहीं कर रहा तो डाइपोल मोमेंट विल बी नॉन जीरो. रफली एक पोलर डायलेक्ट्रिक का डाइपोल मोमेंट अराउंड 10^-30 होता है. इसके एग्जाम्पल्स हैं HCl, NaCl, CO, ये सब एग्जाम्पल्स होंगे इसके. फायका ये तो केमिस्ट्री में मिसाज सर बेहतर पढ़ा सकते हैं जब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पढ़ाया जाता है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो कहाँ शिफ्ट होगा. यही चीज केमिस्ट्री में पढ़ाई जाती है CO2 के लिए, N2 के लिए. ये मेरा टॉपिक नहीं है. इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी केमिस्ट्री में आपको 11th में सिखाई गई होगी. ये वहां का है. दोनों एक से है ना, कोई कोई पुल नहीं करेगा अपनी तरफ. HCl का इसीलिए मैंने एग्जाम्पल दिया था, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो इसीलिए एक चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लोराइड पर होगा, पॉजिटिव हाइड्रोजन पर होगा. सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जो तुम एक लाइन में आंसर चाह रही हो उसका आंसर है सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहीं शिफ्ट नहीं होगा. भाई इतना हो गया, रब कर दूं इसे. आप समझिए पोलराइजेशन का क्या मतलब हो रहा है. पोलराइजेशन का कई लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं. ये शायद इलेक्ट्रोस्टैट की सेकेंड क्लास से मैं कई चीजें पोलराइजेशन पे टाल देता हूं. जब किसी ने पूछा था कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी का क्या मतलब है तो मैंने टाल दिया था कि पोलराइजेशन में डिस्कस करेंगे. किसी ने पूछा था कि मीडियम में फोर्स एयर के कंपेरेबल कम होती है, मैकेनिज्म क्या है, तब भी मैंने टाल दिया था कि पोलराइजेशन में डिस्कस करेंगे. इवन शायद कोई पूछ रहा था इंड्यूस चार्ज का मैकेनिज्म क्या है, चार्ज इंड्यूस होता कैसे, उसको मैंने टाल दिया था. मैंने कहा था पोलराइजेशन में करेंगे. तो वो सारे कंसेप्चुअल डिस्कशन जो अब तक टलते हुए आ रहे थे वो इस टॉपिक के लिए मैंने छोड़े हुए थे, अब आपसे हो जाएंगे. सो पोलराइजेशन, पहले तो जस्ट मतलब समझो कि पोलराइजेशन मैथमेटिकली है क्या चीज. पोलराइजेशन सिंपली मीन्स इंडक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट. पोलराइजेशन इज सिंपली इंडक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट. किसी भी सिस्टम में अगर आप डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस करोगे तो उसका मतलब है आपने उसे पोलराइज कर दिया. सो पोलराइजेशन इज सिंपली इंडक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट. डाइपोल मूवमेंट के इंड्यूस करने को आप पोलराइजेशन कहते हैं. एग्जाम्पल देखिए, मैंने आपको ये मॉलिक्यूल दे दिया फैजान, इसका डाइपोल मूवमेंट कितना होगा. फैजान डाइपोल मूवमेंट ऑफ दिस मॉलिक्यूल जीरो. अब अगर इस मॉलिक्यूल पर मैं कुछ बाहर से फील्ड अप्लाई कर रहा हूं, डाइपोल जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर को इनसाइड करके आपने बाहर से इस मॉलिक्यूल के ऊपर कुछ फील्ड अप्लाई कर दी, एक्सटर्नल फील्ड. दिस ई नॉट इज सम एक्सटर्नल फील्ड. तो
एक्सटर्नल फील्ड की वजह से क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, नेगेटिव चार्ज फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और रिजल्ट ये होगा कि ये मॉलिक्यूल स्ट्रेच हो जाएगा। फिजान अब बताना जरा, अब भी डाइपोल मोमेंट जीरो है या नॉन जीरो दिख रहा है कुछ, जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर्स डिस्प्लेस हो गए तो अब भी डाइपोल मोमेंट जीरो है या नॉन जीरो आ गया? हाँ, डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो हो गया। सो डाइपोल मोमेंट के जीरो से नॉन जीरो होने को पोलराइजेशन कहते हैं। दिस इज पोलराइजेशन की, पहले डाइपोल मोमेंट जीरो था, अब डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो हो गया। दिस इज नोन एज पोलराइजेशन, इंडक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट के इंड्यूस होने को पोलराइजेशन कहोगे। सो इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड पॉजिटिव चार्ज डिस्प्लेस इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड नेगेटिव चार्ज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एंड नेगेटिव चार्ज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो पॉजिटिव चार्ज फील्ड की डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा, नेगेटिव चार्ज फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा। इसी को आप कहते हो मॉलिक्यूल आपका पोलराइज हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग हो गए। पोलराइजेशन के बाद इतना लिख लिया तो बताओ मुझे, इसे रब करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। इतना लिखिए सब, फिर से रब करते हैं और आगे बढ़ेंगे। तो अच्छा, तौहीद लिखो लिखो, तौहीद लिखो और बताओ मुझे। सो एक मॉलिक्यूल का तो पोलराइजेशन सीधा साधा काम था, आपको चाहिए पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक स्लैब। अगर आप एक नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक स्लैब ले लो तो उस नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक स्लैब का पोलराइजेशन चाहिए। तो पहले समझिए नॉन पोलर स्लैब का क्या मतलब है। नॉन पोलर मीन्स वो स्लैब जिसमें सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ। तो पहले इसे देखते हैं, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपने एक स्लैब लिया, बाहर से कोई फील्ड अप्लाई नहीं करी, मैं एक्सटर्नल फील्ड को ई नॉट से रिप्रेजेंट करूंगा। ई नॉट इज जीरो, दिस ई नॉट इज एक्सटर्नल फील्ड विच इज जीरो। तो आपने एक स्लैब रख दिया, इट्स अ नॉन पोलर स्लैब, भाई हर मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, सबका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, सब एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को, सबका जीरो है तो नेट जीरो आएगा। सो डाइपोल मोमेंट ऑफ स्लैब इज जीरो। तो एक्सटर्नल फील्ड में हर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो था, तो स्लैब का डाइपोल मोमेंट भी जीरो है।
इसे लिख लीजिए, इसको जब मैं रब करूंगा तो फिर मुझे ज्यादा स्पेस चाहिए, इतना लिख लीजिए। भाई इतना लिख लो तो बताओ मुझे। अब देखो, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, देखिए एक्सटर्नल फील्ड के प्रेजेंस में क्या चेंज होगा। आपने एक स्लैब लिया, नॉन पोलर स्लैब है, यहां फील्ड अप्लाई कर दी, फील्ड अप्लाई करने के लिए चार्ज चाहिए, तो आपने बाहर दो प्लेट्स ले ली, एक प्लेट को कुछ पॉजिटिव चार्ज दिया, दूसरी प्लेट को आपने नेगेटिव चार्ज दिया। चार्ज डेंसिटी यहां मान लो प्लस सिग्मा, यहां चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, तो यहां एक फील्ड एग्जिस्ट कर जाएगी, इसे हम एक्सटर्नल फील्ड कह रहे हैं, ई नॉट, जो फील्ड आपने अप्लाई करी है। तो यहां एक फील्ड एग्जिस्ट कर जाएगी विच इज ई नॉट, तो यहां भी एक फील्ड एग्जिस्ट कर गई विच इज ई नॉट, ये फील्ड एग्जिस्ट कर गई। कैपेसिटर नहीं भैया, डायलेक्ट्रिक है, वहां कंडक्टर्स होते हैं, ये डायलेक्ट्रिक है, इसमें दो प्लेट्स रख दिए आपने, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट। अब यहां देखो, यहां जो हर मॉलिक्यूल को मुझे बताएगा मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होगा, ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स थे, ये फील्ड क्या करेगी इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ, अदीबा, जैसे आप फील्ड में नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स रखेंगे, हाँ ये फील्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को स्ट्रेच कर देगी। यस, सो इसको थोड़ा सा ना बड़ा बनाते हैं, So, ये फील्ड क्या करेगी, हर मॉलिक्यूल को पोलराइज कर देगी, मॉलिक्यूल्स के नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के सेंटर्स अलग अलग हो जाएंगे। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के सेंटर्स अलग अलग हो गए, ये अलग अलग हो गया सारा। तो इसको आप कहोगे इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, जैसे आपने एक्सटर्नल फील्ड दी, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स गेट्स पोलराइज्ड एंड हेंस स्लैब गेट्स पोलराइज्ड। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल भी पोलराइज हो गया और स्लैब भी पोलराइज हो गया। तो देखो यहां पर, यहां मैं कुछ लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं, जरा ढंग से देखना इन लाइंस को। ये मैंने येलो जो लाइन ड्रॉ करी हुई है, देखो ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ना, इतना पोर्शन, इस पोर्शन में अगर तुम ढंग से देखोगे तो नेट चार्ज इज जीरो। ये जो येलो से मैंने पोर्शन लिया हुआ है, इस येलो पोर्शन में नेट चार्ज इज जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव सब एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, नेट चार्ज इज जीरो। तो ये कुछ ऐसा आया,
कि आपका जो स्लैब है, अगर इसे मैं फिर से अलग से ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, अब तुम्हें दिखना शुरू होगा कि सिर्फ मॉलिक्यूल्स नहीं, पूरा का पूरा स्लैब पोलराइज हो गया। यहां चार्ज था पॉजिटिव प्लस सिग्मा, ये था नेगेटिव माइनस सिग्मा। ये इसके अंदर तो नेट चार्ज जीरो है, सिर्फ बाउंड्रीज पर चार्ज बचेगा। तो यहां बाउंड्रीज पर कुछ चार्ज बचा हुआ है, इस बाउंड्री पर नेगेटिव चार्ज बचेगा, यहां नेगेटिव चार्ज बचा, इस बाउंड्री पर जो चार्ज आया दैट चार्ज इज पॉजिटिव। तो ये जो चार्जेस हैं इन्हें आप कहते हैं इंड्यूस चार्ज, और इसी को पोलराइजिंग चार्ज भी कहते हैं, क्योंकि ये चार्ज इस डायलेक्ट्रिक स्लैब के पोलराइज होने की वजह से आया। इसकी चार्ज डेंसिटी को सिग्मा आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये भी सिग्मा है, बस एक प्लस सिग्मा है एक माइनस सिग्मा है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखो पूरा स्लैब, अभी तो एक मॉलिक्यूल की आप पोलराइजेशन डिस्कस कर रहे थे, तो पूरा स्लैब पोलराइज हो गया, पूरे स्लैब में एक तरफ नेगेटिव है दूसरी तरफ पॉजिटिव है। तो यहां पर एक डाइपोल मूवमेंट एग्जिस्ट कर गया नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक पी। आयशा यहां ट्रिलियंस में है मॉलिक्यूल्स, तो वो ऑड और इवन तो तुम काउंट ही नहीं कर पाओगे, इट्स एवरेज, ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ, तो ऑड और इवन तो वो मेजर करना पॉसिबल ही नहीं है, एवरेज लेते हैं ऑन एन एवरेज। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो आप कहोगे कि पूरा का पूरा आपका स्लैब पोलराइज हो गया, हेंस स्लैब डायलेक्ट्रिक स्लैब गेट्स पोलराइज, डायलेक्ट्रिक स्लैब गेट्स पोलराइज्ड, पूरा स्लैब आपका पोलराइज आ गया, मींस स्लैब के पास अब एक नेट डाइपोल मूवमेंट है। यहां तक बताइए मुझे, इतने डिस्कशन में कोई डाउट है? इसके बाद कुछ टर्म्स और आनी शुरू हो जाएंगी, यहां तक अगर कोई डाउट है तो बताओ, इसके बाद कुछ टर्म्स और आएंगे। ओके रॉड एंड स्लैब, कौन सी रॉड, इसको रॉड कह रहे हो क्या मोटा? नहीं भाई ये तो कंडक्टर है, इसमें तो सिर्फ देखो डाइपोल होने का मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होना, यहां तो सिर्फ पॉजिटिव है कोई डाइपोल नहीं, यहां सिर्फ नेगेटिव है कोई डाइपोल नहीं, यहां पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं, तो इसीलिए डाइपोल मूवमेंट है, यहां कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं है, कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं है। क्या मतलब होता है मोटा डाइपोल का? डाइपोल मोटा डाइपोल होने का क्या मतलब है? कब मैं कहता हूं किसी चीज में डाइपोल होगा, डाइपोल मूवमेंट है, व्हाट इज डाइपोल? अरे आंसर्स नहीं आते तुम लोगों के। अभी अर्शद सुनो दोबारा से। हाँ तो यहां पे तो देखो सिर्फ एक ही चार्ज है ना, तो कोई डाइपोल नहीं, एक ही चार्ज है कोई डाइपोल नहीं। सो अर्शद को रिपीट कराना है पूरा। मैं देखो एक आपको शीट दी हुई है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, एक शीट नेगेटिव चार्ज, ये शीट एक एक्सटर्नल फील्ड जनरेट कर रही है, ये मैंने लास्ट सेक्शन में किया था, जैसे ही आप फील्ड अप्लाई करोगे हर मॉलिक्यूल पोलराइज हो जाता है, हर मॉलिक्यूल पोलराइज हो जाएगा। मुझे अर्शद एग्जैक्ट बताओ परेशानी कहाँ पर आ रही है, किस स्टेप पे परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है, जब बताओगे तो जरा आसानी से डिस्कस होगा। अर्शद Q
नेट जीरो कैसे है। अच्छा ऐसे बोला करो ना, फिर मैं वो सारी चीजें रिपीट कर दूंगा जो मैंने बोली थी सिवाय इस। ये ऐसे अर्षद देखो, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ देखो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, क्या पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल करेगा अर्षद? बताते जाओ बस। जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल करेगा। ऐसी जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे इस रीजन में जो मैंने येलो से लिया हुआ है, सब पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, नेट जीरो हो जाएगा। अर्षद अब आया समझ में? So, जब ये सारा चला गया तो बचा क्या? देखो बाउंड्री पर सिर्फ ये नेगेटिव चार्ज बचा और बाउंड्री पर ये पॉजिटिव चार्ज बच गया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ये बीच वाला चार्ज गया ना, ये थोड़ा ना, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव किसी से कैंसिल थोड़ी ना हो रहा है। ये नेगेटिव को कैंसिल करने वाला कोई थोड़ा ना, ये पॉजिटिव से ये नेगेटिव न्यूट्रलाइज हुआ, ये पॉजिटिव से ये नेगेटिव न्यूट्रलाइज हुआ, इसे कोई न्यूट्रलाइज नहीं कर रहा, इसे कोई न्यूट्रलाइज नहीं कर रहा, तो बाउंड्री पर नेगेटिव बचेगा, बाउंड्री पर पॉजिटिव बचेगा। हाँ अर्षद, कैंसिल कौन करेगा उसमें? इसको नेगेटिव को कैंसिल करने के लिए इसके पास एक पॉजिटिव होना चाहिए। कहाँ है पॉजिटिव? इस नेगेटिव को किससे कैंसिल करवा सकती हो बताओ? कैंसिल करने के लिए चार्जेस को एक साथ होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ माइनस क्यू है यहाँ प्लस क्यू है, ये कैंसिल कर दें। कैंसिल करने के लिए कॉन्टैक्ट होना जरूरी है। नेट चार्ज तो अब भी सिस्टम पर जीरो है, बट डाइपोल का मतलब यही है ना कि नेगेटिव और पॉजिटिव अलग अलग है, ये अलग है नेगेटिव, ये पॉजिटिव अलग है। ये इसीलिए कैंसिल हो रहा था क्योंकि ये कॉन्टैक्ट में, ये सारे कॉन्टैक्ट में होंगे इसीलिए न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो आपको एक तरफ नेट मिलेगा नेगेटिव, दूसरी तरफ नेट मिलेगा पॉजिटिव। आप अगर कोई पूछे स्लैब पर टोटल चार्ज कितना, देन यस टोटल चार्ज ऑन द स्लैब इज जीरो, लेकिन ये इसे न्यूट्रलाइज नहीं कर रहा, पोल्स डेवलप हो गए। जैसे अगर मैं HCl कह रहा हूं, उसमें HCl पर नेट चार्ज कितना है? उसमें परवीन नेट चार्ज ऑन HCl कितना? नेट चार्ज है HCl पर जीरो। क्या पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल कर रहा है एक दूसरे को, न्यूट्रलाइज कर देता है? उसमें क्या पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है? नहीं करता ना, इसीलिए तो आप लिखते हो कि एक H पॉजिटिव है एक Cl नेगेटिव है, बस वही काम यहां हो रहा है। नेट चार्ज इज जीरो बट ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहा। ओके जरा आप कुछ लोग, तुम बहुत सवाल पूछते हो, तुम लोग अब जरा मुझे भी कुछ आंसर्स देना शुरू करो। अर्षद ये बताओ, ये तो फील्ड थी एक्सटर्नल जो हमने बाहर से अप्लाई करी थी, क्या उसके साथ साथ कोई और फील्ड भी आई है? ये तो एक्सटर्नल फील्ड है जो हमने प्लेट्स के थ्रू अप्लाई करी है ई नॉट। अर्शद अली क्या यहाँ पर कोई और फील्ड भी है? अर्शद क्या यहाँ कोई और भी फील्ड एग्जिस्ट कर रही है? हाँ अरे अर्षद देखा तो करो, ये चार्जेस है ना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो इंड्यूस होकर आए, ये भी तो अपनी फील्ड जनरेट करेंगे। ये ई नॉट कौन जनरेट कर रहा है, पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट? ये जो इंड्यूस चार्जेस आए हैं, जिन्हें आप इंड्यूस चार्जेस या पोलराइजिंग चार्ज कह रहे हो, ये चार्जेस भी तो अपनी एक फील्ड जनरेट करेंगे। फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव, इसे कह देते हैं ईपी, पोलराइजिंग फील्ड। तो यहाँ सिस्टम में दो फील्ड आ जाएंगी, एक फील्ड है ई नॉट। हाँ, स्लैब से पास करेगा, बिल्कुल स्लैब से ही तो ई नॉट पास कर रहा था, तभी तो मॉलिक्यूल्स को उसने पोलराइज करा दिया। सो ये जो ई नॉट है, दैट ई नॉट इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ई पी इज पोलराइजिंग फील्ड। इसको पोलराइजिंग फील्ड भी कहते हैं और इसे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड।
नेट फील्ड कितनी इनसाइड डायलेक्ट्रिक? भाई नेट फील्ड जो होगी डायलेक्ट्रिक के अंदर, देखो ई नॉट और ई पी दो फील्ड्स आ गई, दोनों फील्ड्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इनसाइड डायलेक्ट्रिक नेट फील्ड डिक्रीज हो गई। नेट फील्ड कितनी हो गई? ई नॉट माइनस ई पी, ऑपोजिट डायरेक्शन में ना, दैट्स ई नॉट माइनस ई पी। जीरो तो तब होगा जब दोनों इक्वल होगा, पोलराइजिंग फील्ड ई नॉट की इक्वल नहीं होती, इट्स ई नॉट माइनस ई पी, दैट्स नेट फील्ड इनसाइड डायलेक्ट्रिक। तो दिख रहा है नेट फील्ड इनसाइड डायलेक्ट्रिक डिक्रीज कर गई। So, इसको आप ऐसे समझने की कोशिश करो, डिक्रीज होना, चलो पहले इतना लिखो फिर इसके और जरा डिटेल डिस्कशंस पर आएंगे। तो जैसे ही आप दो प्लेट्स के बीच में एक स्लैब रख देते हो, तो विद इन द स्लैब पोलराइजेशन होगा, उस पोलराइजेशन की वजह से स्लैब में फील्ड डिक्रीज कर जाती है, डायलेक्ट्रिक मटेरियल में फील्ड डिक्रीज कर जाएगी, और डिक्रीज होने के बाद नेट फील्ड हो जाएगी ई नॉट माइनस ई पी। मुझे यहां तक बताइए डाउट्स, फिर इसमें और चीजें डिस्कस करेंगे और आगे लेके जाएंगे इस डिस्कशन को। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के सेम होना चाहिए ऑन एक्सियल लाइन। ये जो मैं फील्ड लिख रहा हूं ना तौहीद, ये बाहर नहीं है, डाइपोल के अंदर है। जब डाइपोल एक मॉलिक्यूल होता था तो पॉजिटिव नेगेटिव तक फील्ड इतनी वीक होगी कि हम उसको डिस्कस ही नहीं करते थे, लेकिन अब ये एक मॉलिक्यूल नहीं है तो पूरा स्लैब है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जो फील्ड जा रही है दैट इज ईपी। एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन तो बाहर होते थे, ये तो अंदर है। अरबाब ईपी और ईबी तब इक्वल होगा जब उतना ही चार्ज इंड्यूस हो जाए जितना आपने प्रोवाइड किया था। ये ईपी और ई नॉट तब आएगा जब ये चार्ज उतना ही इंड्यूस हो जाए जब आपने अप्लाई किया था। 100% पोलराइजेशन नहीं हो सकता, वो तो बहुत अजीब चीज होगी ना कि यहां आपने कुछ चार्ज दिया, ये मटेरियल कंडक्टर है, ये मटेरियल अलग है, इस मटेरियल में उतना ही चार्ज आ जाए जितना कंडक्टर पर था, तो बड़ा स्पेशल केस हो जाएगा। इन जनरल तो अलग होना चाहिए, दो अलग अलग चीजें हैं, ये कंडक्टर है ये डायलेक्ट्रिक है, अलग अलग चार्जेस होंगे तो अलग अलग फील्ड होगी। सिग्मा और सिग्मा आई इक्वल नहीं है, ईपी ई नॉट से कम है ना? हाँ ईपी ई नॉट से कम है, यस। और बताइए इसमें और डाउट्स? अच्छा इसमें एक चीज और डिस्कस करते हैं फिर और डिटेल डिस्कशंस पर आएंगे। ये तो नॉन पोलर था, अब अगर मैं पोलर, रेबर डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, बस ये यूज किया कि अगर एक डायलेक्ट्रिक स्लैब है तो फील्ड का डायरेक्शन डायलेक्ट्रिक स्लैब में पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, बस ये डिस्कस किया हुआ। इन अ डायलेक्ट्रिक स्लैब डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, चार्जेस में भी तो यही होता है, अगर मैं एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपको दे दूं तो फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है, वही कॉन्सेप्ट यूज किया। सो ये तो था आपका नॉन पोलर स्लैब। अरे भाई फायदा, एक जगह फील्ड थी ई नॉट 5 न्यूटन पर कूलम, सिर्फ ई नॉट थी, तो नेट फील्ड 5 न्यूटन पर कूलम थी। अब अगर मैं ऐसा कर दूं कि ये ई नॉट है 5 न्यूटन पर कूलम और ऑपोजिट डायरेक्शन में मैंने 2 न्यूटन पर कूलम लिख दी, हम भी फायका बताओ जरा यहां नेट कितनी आ जाएगी? ये ई पी है, बताओ जरा नेट कितनी आ गई? पहले 5 थी, अब यहां कितनी होगी? फायका थ्री, क्या डिक्रीज कर गई? डिक्रीज कर गई ना, क्यों डिक्रीज कर गई? सब्ट्रैक कर रहे हो तो डिक्रीज करेगी ही, इसमें पहले ई नॉट थी यार, अब ई नॉट माइनस ईपी हो गई, कम कर दिया तुमने तो डिक्रीज तो करेगी।
मदीबा फील्ड इसलिए कम है क्योंकि आपने जो ई नॉट ली थी वो ई नॉट फील्ड आई थी कंडक्टर की चार्ज डेंसिटी की वजह से, दैट्स ई नॉट। जो डायलेक्ट्रिक लिया आपने उस डायलेक्ट्रिक में चार्ज इंड्यूस हुआ सिग्मा, ये किसकी वजह से इंड्यूस हो रहा है? इसकी वजह से। तो ये जो सिग्मा इंड्यूस है ये ओरिजिनल चार्ज से तो कम होगा ना, मैक्सिमम कितना हो सकता है इसकी, इक्वल इंड्यूस हो जाए, लेकिन अलग अलग मटेरियल है, ये कंडक्टर है ये डायलेक्ट्रिक है, तो सिग्मा आई लेस देन सिग्मा होगा तो ई पी लेस देन ई नॉट होगा। चार्ज डेंसिटी कम है तो फील्ड भी कम होगी, और नेगेटिव हो तो उसमें क्या नेगेटिव, क्या नेगेटिव होता है? अरे भाई ई पी नेगेटिव कैसे, अभी तो तुम्हें सिखाया था, डायरेक्शन भी तो देखा करो, नेगेटिव ही तो है तभी तो सब्ट्रैक्ट हुई। ये ई नॉट यहाँ था और ई पी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में था, ये तो फिजिक्स है ना, मैथ्स थोड़ी ना है कि नंबर्स में कुछ भी खेल देंगे। ई नॉट एंड ई पी आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तभी मैं लिख रहा हूँ ई इज ई नॉट माइनस ई पी। ये भी वेक्टर और ये भी वेक्टर, वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं, जिससे तुम नेगेटिव कह रही हो, नेगेटिव ही तो है तभी तो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड उसमें कभी नेगेटिव हो सकते हैं या पॉजिटिव होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, तो फील्ड का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव हो सकता है? उसमें पहले पूरे आंसर्स दो फिर आगे बढ़ेंगे। अब फील्ड का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव हो सकता है, चलो जी, तो क्या ईपी कभी नेगेटिव होगा? चलो क्लियर हो गया ये। अब देखो जी, पोलर स्लैब, बस पोलराइजेशन ऑफ पोलर डायलेक्ट्रिक स्लैब, तो अगर आपने एक पोलर डायलेक्ट्रिक स्लैब ले लिया, देखना है आपको कि वो पोलर डायलेक्ट्रिक स्लैब कैसे पोलराइज होगा। सो पहले देखते हैं इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आपने कोई भी फील्ड अप्लाई नहीं करी, अर्शद जरा बताओ मुझे, पोलर डायलेक्ट्रिक में हर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कितना होता है, जीरो या नॉन जीरो? अर्शद, अर्शद अली, पोलर में हर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कितना होता है, जीरो या नॉन जीरो? अरे यार अर्शद, अभी तो पढ़ाया था पोलर, पलट के देखो जरा पीछे, मुझे लग रहा है तुम लोगों की ना बुक पढ़ने की, नोट्स पढ़ने की आदत बिल्कुल खत्म हो गई है, कभी पलट के नहीं देखते क्या कराया था, क्या हुआ था। अभी तो कराया था 2 मिनट पहले कि नॉन पोलर की, हाँ पोलर में नेट हर डाइपोल का मोमेंट नॉन जीरो होता है, सो इंडिविजुअल डाइपोल्स, और ऐसे लिखो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैव नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, बट इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड
ड्यू टू थर्मल एजिटेशन. थर्मल एजिटेशन मीन्स थर्मल एनर्जी. दे आर रैंडमली ओरिएंटेड and will cancel so absent external field में ये randomly oriented है और एक दूसरे के dipole moments को cancel भी कर देंगे. नहीं फैजान, जब भी आप कोई सिस्टम लोगे थर्मल एनर्जी की वजह से वो किसी एक डायरेक्शन में अलाइन नहीं होता, रैंडमली जाता है. जैसे आप एक बीकर में कुछ वाटर लो, बॉइल करना शुरू करो तो मॉलिक्यूल्स का मोशन रैंडम होगा. हमेशा थर्मल एनर्जी रैंडम मोशन देती है. तो ये सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को कैंसिल कर देंगे, नेट डाइपोल मोमेंट विल बी जीरो. इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड्स सब एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को कैंसिल करते हैं, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा. इतना लिखिए फिर आगे बढ़ेंगे. हाँ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद होगा, अभी नहीं. सो अगर आपने फील्ड अप्लाई नहीं करी तो हर मॉलिक्यूल दूसरे के डाइपोल मोमेंट को कैंसिल करेगा, नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी जीरो इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड. अब देखो, इन प्रेजेंस ऑफ फील्ड, अब देखो प्रेजेंस ऑफ फील्ड में क्या होगा. अलोंग विद थर्मल एनर्जी each molecule will have potential energy thermal energy ke sath sath har molecule ke paas potential energy bhi hogi jo kuch din pehle hi karaya aapko minus pe cos theta which will try to align dipole along field, along external field. तो देखो, जैसे ही आप एक्सटर्नल फील्ड देते हो, एक्सटर्नल फील्ड के लिए आप क्या करोगे, आपने यहां दो प्लेट्स दे दी, दो प्लेट्स लगा दी, जो हमने पहले लास्ट वाले सेक्शन में किया था, कुछ उसी तरह की चीजें होंगी, एंड रिजल्ट सेम रहेगा. दो प्लेट्स लगा दिए आपने. अब मैं थोड़ा तेजी से कराऊंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे लास्ट सेक्शन कराया था आपको. इनके बीच में आपने स्लैब डाल दिया, एक प्लेट पर चार्ज है पॉजिटिव, दूसरी प्लेट पर चार्ज है नेगेटिव. दिस इज प्लस सिग्मा एंड दिस इज माइनस सिग्मा. तो यहां पर एक फील्ड एग्जिस्ट कर गई. हाँ, यहां एक फील्ड एग्जिस्ट कर गई. यहां जो फील्ड एग्जिस्ट कर गई, दैट फील्ड इज ई नॉट. फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, दैट फील्ड इज ई नॉट. ई नॉट फील्ड एग्जिस्ट कर रही. इस ई नॉट फील्ड में मुझे बताओगे इस डायलेक्ट्रिक स्लैब के साथ क्या होगा? फील्ड हर मॉलिक्यूल पर टॉर्क अप्लाई करेगी. उस टॉर्क की वजह से ये मॉलिक्यूल्स कोशिश करेंगे कि फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाए. ये सारे मॉलिक्यूल्स 100% तो अलाइन नहीं हो पाते, लेकिन ये कोशिश करेंगे कि सारे मॉलिक्यूल्स फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाए. मीन्स ये कोशिश करेंगे हर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के डाइपोल मूवमेंट्स ऐड होते चले जाए. हंड्रेड परसेंट अलाइनमेंट बहुत मुश्किल है. एक सेकेंड, ये ऐसे अलाइन होने की कोशिश करेंगे फील्ड की डायरेक्शन में. ये कुछ इस तरह से अलाइन होने की कोशिश करेंगे. देखो, एक आध मॉलिक्यूल में डिसअलाइन कर रहा हूं, 100% अलाइनमेंट नहीं होता. ऐसा नहीं होता सारे मॉलिक्यूल्स अलाइन हो जाए. थर्मल एनर्जी जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ तो थर्मल एनर्जी है. तो थर्मल एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स को फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करती रहेगी.
ये अलाइन हो गए। और अलाइनमेंट किसकी वजह से आ रहा है? ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी। हाँ तो देखो यहां पर अब दो एनर्जीज में कंपटीशन है, एक पोटेंशियल एनर्जी में जो माइनस पी कॉस थीटा होता है, एक थर्मल एनर्जी में। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाते हो तो अलाइनमेंट बढ़ता चला जाएगा, ज्यादा मॉलिक्यूल्स फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होंगे। अगर आप थर्मल एनर्जी बढ़ाते हैं तो डिसअलाइनमेंट बढ़ता चला जाएगा। अब देखो ये मॉलिक्यूल, ये बिल्कुल अब लास्ट वाला सेक्शन हो गया कि अब ये आपको पोलराइज होता हुआ दिखेगा कि अगर ये मैं येलो सा एक रेक्टेंगल बना रहा हूं। अभी अर्शद इस रेक्टेंगल में नेट चार्ज कितना होगा? अर्शद अली बिल्कुल लास्ट सेक्शन वाला है, नेट चार्ज जीरो हो जाएगा इसके अंदर, बाउंड्रीज पर चार्ज बचेगा। तो उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां जो भी चार्ज बचेगा वो चार्ज सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री पर बच रहा होगा। यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। फायका क्या कहते हैं इस चार्ज को? अभी लास्ट सेक्शन में सिखाया था फायका, इस चार्ज का नाम क्या है? ये जो चार्ज इंड्यूस होकर आ रहा है, दिस इज इंड्यूस चार्ज। और भी कोई नाम है इसका? पोलराइजिंग चार्ज। कुछ ऑथर्स एक टर्म और यूज करेंगे, बाउंड चार्ज। तो सब एक ही चीज है। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा यहां पर दो फील्ड्स आ गई, एक एक्सटर्नल फील्ड ये एक एक्सटर्नल फील्ड आ गई और यहां एक पोलराइजिंग फील्ड आ जाएगी EP। नेट फील्ड E विल बी E नॉट माइनस EP। तो पहले की तरह यहां भी फील्ड डिक्रीज कर गई, पहले E नॉट थी, अब फील्ड डिक्रीज कर E नॉट माइनस EP, E नॉट माइनस EP हो गया। तो स्लैब आपका पोलर हो या नॉन पोलर हो, पोलराइजेशन के बाद फील्ड डिक्रीज कर जाती है इनसाइड द स्लैब। इतना लिखिए, उसमें ये कभी नहीं होगा, अभी तो डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। हाँ स्लैब का डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो हो गया, स्लैब पोलराइज हो गया, डाइपोल मोमेंट इज नॉन जीरो पी। ई नॉट ई पी डायलेक्ट्रिक स्लैब में कभी नहीं होगा, ये सिर्फ तब होगा जब स्लैब आपका कंडक्टिंग हो जाए। अगर स्लैब कंडक्टिंग हो जाए तब ये जीरो हो जाएगा। सर अब कर दूं? लिखिए लिखिए अदीबा, जल्दी लिखो और बताओ मुझे हो जाए तो।
सो देखो, आप पोलर हो या नॉन पोलर हो, एंड रिजल्ट सेम है. आफ्टर पोलराइजेशन नेट डाइपोल मूमेंट इन और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्लैब इज, स्लैब के अंदर जो नेट फील्ड होगी दैट इज ई नॉट माइनस ई पी, ई नॉट माइनस ई पी. और इस नेट फील्ड को आप ऐसे लिख सकते हो, इट्स ई नॉट बाई के, वेयर के इज डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट. डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट. फायर का बाउंड चार्ज इसलिए क्योंकि वो चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, मूव नहीं कर सकता, वो किसी एक प्लेट पर फिक्स्ड है. यहाँ फिक्स्ड है, घूम नहीं सकता. ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नहीं है जो एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, फिक्स्ड है, इसीलिए बाउंड चार्ज कहते हैं. के इज डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, इस के को डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कह दिया. सो जो नेट फील्ड होगी इनसाइड डायलेक्ट्रिक दैट इज ई नॉट माइनस ई पी विच इज ई नॉट बाई के, इसी को आपने डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कहा हुआ है, के इज डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट. So, जैसे ही आप डायलेक्ट्रिक रखोगे फील्ड डिक्रीज कर जाएगी. फील्ड डिक्रीज क्यों हो रही है, पोलराइजेशन. तो इसे समझो रियल लाइफ में क्या होता है. मैंने एक चार्ज लिया, दिस इज फ्री स्पेस, वैक्यूम मान लो. ये चार्ज अपनी कुछ फील्ड जनरेट करेगा ई नॉट फाई का. तो चार्ज स्टोर करना शुरू कर देगा फैजान, ये प्लस क्यू. और यहां मैंने कोई मीडियम डाल दिया. जैसी मीडियम डालोगे अब फील्ड ई नॉट नहीं होगी, अब फील्ड ई हो जाएगी, विच इज लेस देन ई नॉट. फील्ड डिक्रीज हो जाएगी. हाँ, के हमेशा ग्रेटर देन वन होता है. सो ई इज लेस देन ई नॉट, फील्ड डिक्रीज हो जाएगी. तो मीडियम में फील्ड डिक्रीज क्यों हुई, मीडियम में फील्ड डिक्रीज हुई, पूरा जो प्रोसीजर मैंने आपको पोलराइजेशन का पढ़ाया है वो सारा हो रहा होता है, पूरा पोलराइजेशन हो जाएगा, इसीलिए फील्ड डिक्रीज कर जाती है. मैंने पढ़ाया था फोर्सेस में Q1 और Q2, एक मिनट सुन लो फिर आता हूं मैं डाउट्स पे. Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव. ये चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं. फ्री स्पेस है, कोई मीडियम नहीं बीच में. आप डायलेक्ट्रिक मीडियम ले आए, डायलेक्ट्रिक क्या करेगा, फील्ड डिक्रीज कर देगा. फील्ड डिक्रीज करने का मतलब है फोर्स डिक्रीज हो जाएगी. तो क्या किया मीडियम ने, यहां मीडियम ने अपने आप को पोलराइज कर दिया. पोलराइजेशन की वजह से फोर्स डिक्रीज हो गई, फील्ड डिक्रीज हो गई. और कितना पोलराइजेशन होगा, एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड्स अपॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी. एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड्स ऑन एब्सोल्यूट परमिटिविटी. Greater the permittivity, greater would be the polarization. Greater would be the polarization. जितनी ज्यादा permittivity होगी उतना ज्यादा polarization होगा. So permittivity control करती है उसमें से कितनी field pass हो सकती है. Why say that bound charge हो गया, अगर बैटरी कनेक्ट की जाए तो क्या होगा, चार्ज स्टोर कर जाएगा, फैजान हो गया. सो द के मिनट ग्रेट, हां के इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इट्स सेकंड क्लास ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट, कूलम्स लॉ में कराया था, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है. नोट में क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा. ओके, नोट में सवाल है, सिर्फ मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूं जितना मैंने समझा है कि आपने एक चार्ज लिया, इस चार्ज को फ्री स्पेस में रख दिया, ये एक फील्ड जनरेट करेगा दैट इज ई नॉट. चार्ज लिया, चार्ज को एक मीडियम में रख दिया, कोई मीडियम ले लिया, मान लीजिए मैंने वाटर ले लिया. मीडियम में लेने का मतलब है फील्ड डिक्रीज कर जाएगी. जैसे ही आप मीडियम लोगे फील्ड डिक्रीज कर जाएगी. फील्ड डिक्रीज होने का रीजन है पोलराइजेशन, जो मैंने लास्ट सेक्शन में पढ़ाया. फील्ड डिक्रीज करेगी, मीडियम पोलराइज हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में पोलराइजिंग फील्ड होगी तो फील्ड डिक्रीज कर जाती.
इसी चीज को आप फोर्स पर भी अप्लाई कर सकते हो. आपने चार्ज लिया Q1 Q2, इन्हें फ्री स्पेस में रख दिया, तो ये चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे बाय फोर्स F. अगर इसके बीच में F नॉट क्या दो, आपने एक मीडियम ले लिया, तो मीडियम पोलराइज हो जाएगा, पोलराइजेशन की वजह से फोर्स डिक्रीज हो जाएगी. कितना पोलराइजेशन होगा डिपेंड करता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी पर, जितना एब्सोल्यूट परमिटिविटी होगी उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा. एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्साइलन, अरे भाई तुम लोग किस स्पीड से भूलते हो, 1/4 pi epsilon Q1 Q2 by R square, Coulomb's law, ये epsilon. जितनी एब्सोल्यूट परमिटिविटी होगी उतना पोलराइजेशन होगा, फील्ड उतनी तेजी से डिक्रीज होगी. अजी अदीबा याद आया? तो परमिटिविटी नाम इसका इसीलिए है, जितनी ज्यादा परमिटिविटी उतनी कम फील्ड पास हो पाएगी, उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतनी कम फील्ड आएगी. इतना लिख डालो, फिर आगे देखते हैं इस पर कैलकुलेशंस क्या क्या आ सकती हैं. इतना हो जाए तो बताओ, इसे रब करते हैं. तो ये एक तो याद रखने की चीज है कि नेट फील्ड इनसाइड डायलेक्ट्रिक इज ई नॉट माइनस ई पी विच इज ई नॉट बाय के. अच्छा, इसके बाद एक चीज और याद रखिएगा, इसमें एक टर्म हम डिफाइन करते हैं जिसे कहते हैं पोलराइजेशन. अब देखो, पहले अभी जो हमने फेनोमेना पढ़ा है उसका नाम भी पोलराइजेशन है, अब जो हम क्वांटिटी पढ़ रहे हैं उसे भी पोलराइजेशन कहते हैं. तो पोलराइजेशन इज टोटल डाइपोल मूवमेंट, टोटल डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्लैब. तो टोटल डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को पोलराइजेशन कहते हैं. पोलराइजेशन को कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करेंगे. दिस इज नेट डाइपोल मूवमेंट ऑफ द स्लैब डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द स्लैब. तो ये जो हमने अभी स्लैब पढ़ा था ना, एक जो स्लैब पोलराइज हो गया था, एक तरफ इसके नेगेटिव चार्ज आ गया था जिसे हम सिग्मा आई लिख रहे थे, सिग्मा पी भी लिख रहे थे इसी को, यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया था जिसे प्लस सिग्मा आई लिख रहे थे, प्लस सिग्मा पी लिख रहे थे. इस स्लैब का कुछ डाइपोल मूवमेंट था पी, नेट डाइपोल मूवमेंट ऑफ द स्लैब. ये नेट डाइपोल मूवमेंट आया था नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के डाइपोल मूवमेंट्स को ऐड कर, तो ये आया था नेट डाइपोल मूवमेंट. सो दिस इज पोलराइजेशन, नेट डाइपोल मूवमेंट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द स्लैब. अब इस डिस्कशन को थोड़ा और आगे लेकर जाते हैं. मान लो मैं चार्ज डेंसिटी, ये तो चार्ज भी पता है, यहां चार्ज है माइनस क्यू पी, यहां चार्ज है प्लस क्यू पी, और इनके बीच का मैंने आपको कुछ सेपरेशन दे दिया, दिस इज द सेपरेशन डी. तो यहां से आप लिख सकते हो इफ क्यू पी एंड माइनस क्यू पी आर चार्जेस due to polarization, so polarization की वजह से जो charges आ रहे हैं they are qp and minus qp. तो आप लिख सकते हैं यहां जो dipole moment होगा, net dipole moment, that is charge qp multiplied by d, और जो volume है, अगर मैं ये लिख दूं A is area of cross section, कि ये जो एंड है, अगर इस एंड का एरिया A है, तो
तो जो वॉल्यूम होगा दैट वॉल्यूम विल बी ए इंटू डी. तो अगर ये वैल्यूज रख दें तो देखो पोलराइजेशन को आप लिख सकते हैं इट्स क्यू पी इंटू डी डिवाइडेड बाय ए डी, कैंसिल हो गया. तो पोलराइजेशन आ जाएगा चार्ज अपॉन एरिया. चार्ज अपॉन एरिया को आप सरफेस चार्ज डेंसिटी कह सकते हो. तो आप ये लिख सकते हो कि जो पोलराइजेशन होगा ये सिग्मा पी के इक्वल हो जाएगा. इसकी जरूरत पड़ेगी आगे, इतना लिख लीजिए. सो पोलराइजेशन इज सिंपली चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द स्लैब. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू डाइलेक्ट्रिक नॉन यूनिफॉर्म होगी तो एंड्स पे चार्ज डिफरेंट होगा? नहीं, इसका दोनों एंड्स पे चार्ज हमेशा सेम आएगा. डाइपोल अगर बन रहा है तो दोनों एंड्स पे जो चार्ज होगा वो चार्ज एग्जैक्टली सेम होगा. अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म भी है, मॉलिक्यूल्स तो वैसे ही अलाइन होंगे. ये चार्ज मॉलिक्यूल्स के अलाइनमेंट की वजह से आ रहा है. और एक चीज और है, अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा भी तो जो हम स्टडी करते हैं वो हम एवरेज स्टडी करते हैं. ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, एक एक मॉलिक्यूल को स्टडी करना पॉसिबल नहीं होता. तो यहां हम जो भी स्टडी करते हैं, हम स्टडी करते हैं एवरेज. तो जो आपको पोलराइजेशन मिल रहा है दैट्स एन एवरेज पोलराइजेशन. इंडिविजुअल वेरी कर सकता है. हाँ, लेकिन तो ही जहां भी करेगा रहेगा विद इन द मटेरियल. स्पेस ही नहीं है इतनी कि वो ट्रांसलेट कर दे. ये जो डाइपोल्स हैं ये फ्री स्पेस में थोड़ा ना रखे हुए, एक क्लोज्ड कंटेनर में समझ लो. ये मॉलिक्यूल्स है ना डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर. तो मॉलिक्यूल्स अगर एक सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स लोगे तो मॉलिक्यूल्स फ्री नहीं होते. वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ऐसे करके बाउंडेड होंगे, कहीं जा नहीं सकते. तो ट्रांसलेशन के तो चांसेस नहीं है, सिर्फ ओरिएंट कर सकते हैं. भाई यहां तक क्लियर हुआ? बाकी लोगों का पोलराइजेशन, तो जो हमने स्लैब पढ़ा था उस स्लैब का जो डाइपोल मूवमेंट लिया था, दैट डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज पोलराइजेशन. सो पोलराइजेशन इज सिंपली डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. सर एरिया ऑफ के बाद क्या लिखा है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो इलेक्ट्रॉन होंगे तो ट्रांसलेट कर रहे होंगे. इट्स डाइलेक्ट्रिक फैजान, डाइलेक्ट्रिक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल. होंगे क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स फैजान आलम? क्या यहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे? हाँ, तो कहां से ट्रांसलेशन की बात आएगी? चलो जी, इसको रब करते हैं. अब एक चीज और आपको पढ़नी है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है. इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी को आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से कनेक्ट कर सकते हो. पोलराइजेशन, फैजान पोलराइजेशन से कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं बना. जो चार्जेस हैं वो मॉलिक्यूल्स पर हैं. ये जो नेगेटिव चार्ज आया, ये नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स पर है. ये पॉजिटिव चार्ज भी मॉलिक्यूल्स पर है. जैसे NaCl जब लेते हैं तो पॉजिटिव चार्ज सोडियम के ऊपर है, नेगेटिव चार्ज क्लोराइड का नेगेटिव चार्ज ले रहे हैं. इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेते. सो
देखो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, ये जो पोलराइजेशन हमने पढ़ा है ना अभी स्लैब के अंदर, स्लैब में जो भी डाइपोल मोमेंट आएगा ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, ये जो भी पोलराइजेशन आ रहा होगा ये पोलराइजेशन प्रोपोर्शनल होता है जो भी एक्सटर्नल फील्ड लगाई है उस एक्सटर्नल फील्ड के। जितनी ज्यादा आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करोगे, सॉरी 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 नॉट एक्सटर्नल फील्ड, पोलराइजेशन लास्ट सेक्शन में हमने डिस्कस किया था पी, दैट पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, इज नेट फील्ड। जो नेट फील्ड आई थी ई नॉट माइनस ई पी कर पोलराइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू नेट फील्ड, नेट फील्ड इज ई नॉट माइनस ई पी, इस नेट फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दिस इज पोलराइजेशन। So, जब आप प्रोपोर्शनिटी का साइन हटाते हो तो आप एक कांस्टेंट यूज करते हैं काय, एक एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी आएगा और फील्ड एज इट इज था। तो ये जो काय ई है इसे कहते हैं दिस इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ये डिफाइन करेगा इज विद विच अ मटेरियल कैन बी पोलराइज्ड एन एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड में कोई मटेरियल कितना पोलराइज हो सकता है वो ये ससेप्टिबिलिटी बताएगी। इससे जो सिंबल है ना, इस सिंबल का नाम काय होता है, एक्सटर्नल फील्ड में कोई मटेरियल कितना पोलराइज हो सकता है वो ये ससेप्टिबिलिटी बताएगी। ससेप्टिबिलिटी इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, काई ई इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इट्स अ यूनिटलेस क्वांटिटी। तो देखो कुछ चीजें याद रखना, ये ना कुछ डेरिवेशंस में कुछ न्यूमेरिकल्स में यूज हो जाएगा। ई पी जो पोलराइजिंग फील्ड है भाई, पोलराइजिंग फील्ड को ऐसे लिख सकते हैं, इट्स सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस विल बी सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट मैंने आपको सिखाया था जब प्लेट करी थी, कि अगर प्लेट गिवन है, प्लेट पे कुछ चार्ज है, तो नेट फील्ड आती है सिग्मा बी बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई भूल गया तो उसको हम दोबारा करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, इसको दोबारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में करेंगे। बट ये पोलराइजिंग फील्ड का एक्सप्रेशन है सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट। और देखो लास्ट सेक्शन में मैंने लिखा था सिग्मा पी पी के इक्वल है, तो से आप लिख सकते हैं इट्स पी बाय एप्सिलॉन नॉट। और पी देखो अभी आपने लिखा काई ई एप्सिलॉन नॉट ई, तो से आप लिख सकते हैं पोलराइजिंग फील्ड होगी इट्स काई ई एप्सिलॉन नॉट ई डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये काई ई भी आ जाएगा, ये न्यूमेरिकल्स में कंसेप्चुअल्स में बहुत यूज होगा। इतना लिखिए और फिर बताइए मुझे अगर कोई डाउट है। डिफाइन ईज, शायद ईज कितनी आसानी से मटेरियल पोलराइज हो सकता है, ईज। एक्सटर्नल फील्ड में एक मटेरियल कितनी आसानी से पोलराइज होगा वो उसकी पोलराइजिंग फील्ड डिसाइड करती है।
ओके देखो रेबर, ये जो ईपी पोलराइजिंग फील्ड हमने डिस्कस किया था ना, डायलेक्ट्रिक के अंदर जो पोलराइजिंग फील्ड आती है पोलराइजेशन की वजह से, मैं वो कैलकुलेट कर रहा हूँ। फील्ड होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये एक्सप्रेशन हमने गॉस लॉ के बाद जब प्लेट्स करी थी, थिक प्लेट्स करी थी, तब किया था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज डेंसिटी की वजह से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। पोलराइजिंग फील्ड है तो पोलराइजिंग चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होगी। लास्ट सेक्शन में जहां मैं पोलराइजेशन पढ़ा रहा था, वहां लिखवाया था कि पी सिग्मा पी के इक्वल होता है, तो सिग्मा पी की जगह पी बाय एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। सिग्मा पी की जगह पी लिख दिया, पी बाय एप्सिलॉन नॉट। और देखो हमने पी अभी लिखा है, पी कितना होता है, काय एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, तो इस पी की जगह लिख दिया काय एप्सिलॉन नॉट इंटू ई बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, काय ई आ गया। रेबर क्लियर हुआ, और रिपीट करूं, जाहिद हुआ ये? सो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी सिर्फ ये बताती है कि मटेरियल एक्सटर्नल फील्ड में कितनी आसानी से पोलराइज हो जाएगा। इतना लिखा सबने? अच्छा कोई बताएगा मुझे ई नॉट और ई का रेशियो क्या होगा? हाँ, ई नॉट और ई का रेशियो क्या होगा, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। एक क्वेश्चन आता है, रिलेशन बिटवीन, थोड़ी सी कैलकुलेशंस करनी होंगी आपको, रिलेशन बिटवीन डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इज, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी में जो रिलेशन है, फर्स्ट है के इक्वल टू वन माइनस काय, काय माइनस वन, वन प्लस काय, चलो भाई पिक करो करेक्ट आंसर कौन सा है। अगर ज्यादा लोगों का आंसर सही आ रहा है, थर्ड है, के इज वन प्लस काई। तो जरा देखो इसको डिराइव कैसे करते हैं। इसको डिराइव करने के लिए एक्सप्रेशन यूज करते हैं, ई इज ई नॉट माइनस ई पी, ई इज ई नॉट माइनस ई पी को लिख सकते हैं सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट। ई इज ई नॉट माइनस ई पी, अभी लिखवाया था पी लिख सकते हैं,
इज ई नॉट माइनस पी को आप लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट काई ई बाय एप्सिलॉन नॉट, सबस्क्रिप्ट में ई और लगा दो, ये कैंसिल हो गया। तो आप लिख सकते हो कि जो नेट फील्ड होगी दैट इज ई नॉट माइनस काई ई इंटू ई, पूरी इक्वेशन को ई से डिवाइड कर दो। ये आ गया ई बाय ई नॉट, ई नॉट बाय ई नॉट, काई ई ई बाय ई नॉट, ये तो वन आ जाएगा। ई बाय ई नॉट को वन बाय के लिख देते हैं, नहीं ई नॉट नहीं, ई से डिवाइड कर देते हैं, जरा आसान हो जाएगा ई से, सॉरी। E से डिवाइड करा है, सो ये हुआ ई बाय ई, ई नॉट बाय ई माइनस काई ई ई बाय ई, ई से ई कैंसिल हो गया, ये वन आ गया। तो वन इज के माइनस काई ई, सो ये के आ गया वन प्लस काई। डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज वन प्लस ससेप्टिबिलिटी। ये स्कूल एग्जाम्स में भी डिराइव करने के लिए दे देता है। अभी हो गया, इतना लिखा सबने, चलो आज इसे यहीं छोड़ते हैं। कल फिर क्लास है सेम टाइम 10:30 to 12, कर इसे काउंट। कल मैं कैपेसिटर स्टार्ट कर दूंगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कल स्टार्ट हो जाएगा। चलो भाई, ओके, अल्लाह हाफिज़। और अब आप लोग पढ़ना शुरू कर दें वरना हाल खराब होने शुरू हो जाएंगे। जिस तरह से आप में से ज्यादा तो लोग आते हैं बिना पढ़े हुए, काम नहीं चलेगा।